हेलो फ्रेंड्स, मैं एवरेज कॉर्पोरेशन से इरफान मेहमान। आप जानते हो आपके लिए यूट्यूब पर हम नई नई वीडियो अपलोड कर रहे थे मैकेनिकल सेट और प्रोडक्ट रिलेटेड। आज मैं आपको जो वीडियो बताने वाला हूँ वो मेंटेनेंस के रिलेटेड भी है और प्रोडक्ट के रिलेटेड भी है। अगर आप भी अपनी सोडा शॉप स्टार्ट करना चाहते हो, आप खुद का सोडा शॉप फ्रेंचाइजी या सोडा शॉप स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जानकारी भरी है। वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बता देगा मशीन किस तरह इंस्टॉल करना है और किन किन चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो यूट्यूब चैनल पर, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप देख सकते हो ये हमने एक फ्रेंचाइजी बनाई है सोडा शॉप की, नींबू सोडा शॉप। ये सरखेज एरिया में है, अहमदाबाद में है, सरखेज एरिया में। अगर आप भी सोडा शॉप स्टार्ट करना चाहते हो तो इस फ्रेंचाइजी की आप विजिट कर सकते हो। सारी रेसिपी फ्लेवर्स की हमने दी हुई है आपको। मैं एक वीडियो और अपलोड करने वाला हूँ कि फ्लेवर्स किस तरह बनानी है वो भी आपको बताऊँगा, और आपको क्या क्या ध्यान रखना है मशीन इंस्टॉल करते हो वो भी आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। ये आप पूरा देख सकते हो किस तरह क्या हुआ, और आपको इसकी मैं फुल्ली डिटेल वाली वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी अपलोड करूँगा। आप जरूर हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको और जानकारी मिलेगी और नई नई प्रोडक्ट देखने मिलेगी और नए नए कॉन्सेप्ट देखने मिलेंगे आपको। तो शॉप में क्या लगवाना है देखिए, तो आपको आर ओ लगवाना है। ये आर ओ आपको लगवाना है आपकी शॉप में। ये सीधा देखिए आपका प्योर वाटर मशीन की टैंक में जाएगा, और इसको पानी भरने के बाद कट ऑफ के लिए आप सेंसर लगा दे वो बेहतर है। ये अंदर जो पानी है इसी को ये मशीन यूज़ करेगा थोड़ा बनाने के लिए। इस तरीके का इनबिल्ट स्टोरेज वाला मशीन है, इसको चिलर मॉडल भी कहते हैं कुछ लोग सुपरस्टार मॉडल कहते हैं। ये देखिए अभी टेम्परेचर 13 पे है, स्टार्ट किया है, अभी जीरो पे आएगा थोड़ी देर बाद धीरे धीरे करके। इसमें आउटडोर लगाया गया है, कई मशीन में इंडोर होता है रेफ्रिजरेंट सिस्टम, इसमें आउटडोर लगा हुआ है। देखो यहाँ से पाइप बाहर जा रहे हैं, वहाँ पीछे की तरफ जैसा एसी में आउटडोर रेफ्रिजरेंट यूनिट लगता है, इस तरह का आउटडोर यूनिट लगाया हुआ है इसके अंदर। आपको फिर एक CO2 सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। CO2 सिलेंडर ये रेगुलेटर है जो CO2 को रेगुलेट करता है। इसको भी किस तरह सेटिंग करना है ये आपको बताऊंगा मैं। आपको CO2 सिलेंडर दो चाहिए, क्योंकि कभी अचानक आपकी गिरागी चल रही है उस दौरान एक CO2 सिलेंडर खत्म हो गया था, तुरंत आप दूसरा उसके साथ लगाकर आपकी गिरागी संभाल सकते हो, दूसरे को रिफिल करने के लिए भेज सकते हो। ठीक है, नीचे जो सिरप टैंक है, ये ऐसे सिरप टैंक, उसको भी किस तरह भरना है, किस तरह खोलना है, ये भी आपको बताऊँगा। ये सिरप टैंक यहाँ पर रखे हुए हैं देखिए नीचे, और यहाँ पर ऊपर इसका पंप मोटर लगा हुआ है, यहाँ पर इसका वायरिंग बॉक्स है, इसमें देखो डिजिटल थर्मोस्टेट लगाई हुई है। इसको आप अपने मनचाहे अनुसार सेट कर सकते हो, कितना टेम्परेचर आपको रखना है उस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो। इसका सेटिंग्स का पूरा वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो किस तरह आपको डिजिटल थर्मोस्टेट सेट करना है। क्योंकि कई बार सर्दियों में टेम्परेचर को थोड़ा अप करने की जरूरत पड़ती है, गर्मियों में जीरो पे रखने की जरूरत पड़ती है। देखो दोस्तों, इतना सिरप कोल सोडा कोल सब इसी पानी में रखा हुआ है। ये आउट लाइन है, इधर से पंप को पानी का सप्लाई मिलता है और ये कार्बोरेटर में थ्रो करता है। पंप और मोटर की स्विच ऑन करने से पहले आपको ये नट को ढीला करना जरूरी है, ताकि इसमें एयर ना रह जाए। एयर रह जाएगी तो आपका पंप को डैमेज करेगा। मैंने पंप मोटर सेंसर सर्किट के रिलेटेड पूरी वीडियो अपलोड की यूट्यूब पे, उसकी डिस्क्रिप्शन भी मैं लिंक में दे दूंगा, आप वो देख सकते हो किस तरह फिटिंग करना है। इस तरह एयर निकाल दी हमने, फिर उसको वापस टाइट कर देना है, फिर स्विच ऑन करें ताकि अच्छे से पानी कार्बोरेटर में भरे। देखिए इन हो रहा है पानी चिलर में से और आउट होकर थ्रो कर रहा है कार्बोरेटर के अंदर। देखिए दोस्तों, ये गैस की लाइन है, गैस की लाइन किस तरह लगाना, रेगुलेटर किस तरह लगाना, देखिए पहले हाथ से आप नट को टाइट कर लीजिए ताकि थ्रेड खराब ना हो, फिर स्पैनर से पूरा फुल टाइट कर लीजिए। इसके बीच में एक वॉशर भी लगेगा, वो लगाना है ताकि लीकेज ना हो गैस, और उसको करने के बाद आपको गैस को सेटिंग करना है। आप पहले ये दोनों 1/4 की नट निप्पल कहते हैं वो चढ़ा दीजिए, पहले वाले में जो डायरेक्ट कार्बोरेटर में जा रहा है उसको लगाइए, कार्बोरेटर जो पाइप डायरेक्ट जा रहा है उसको पहले वाले में लगाइए जो CO2 सिलेंडर से पहला वाला है उसमें, और दूसरे वाले में जो सिरप टैंक को प्रेशर देता है उस निप्पल को नट को लगाइए, आप उस पाइप को लगाइए ताकि इधर से सिरप टैंक को गैस का प्रेशर मिल जाए ताकि सिरप आउट हो सके। तो ये लगाने के बाद आपको CO2 सिलेंडर को खोलना है, ज़्यादा खोल देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई बार कम खोलने से नहीं आता है सही से। अब इसको सेटिंग करने के लिए आपको अलग अलग सेटिंग अलग अलग रेगुलेटर में होता है, किसी में हाथ से होता है, किसी में स्क्रू ड्राइवर से होता है। इसको आप जितना टाइट करेंगे उतना ऊपर होगा प्रेशर बढ़ेगा, कई रेगुलेटर में बार में भी होता है प्रेशर 1, 2, 3, 4, 6 लिखा होता है बार, यानी उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 14 से, 6 पे रखोगे इसका मतलब है कि 84 PSI है। तो आप ये याद रखिए कि आपको अगर 6 है तो 80 रखना है तो 6 पे रखिए, 84 रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले वाले को जो डायरेक्ट कार्बोरेटर में जाता है उसको 80 पे रखिए, और दूसरा वाला जो सिरप टैंक में जाता है उसको 40 पे रखिए, ये इसका स्टैंडर्ड लेवल है। इस तरह आप इसको सेट कर सकते हो। ये आप देख सकते हो एक पाइप सीधा कार्बोरेटर में जा रहा है और एक दूसरा जो पाइप है वो कैनेस्टर जो सिरप टैंक है उसके लिए ये मुरली में जा रहा है, और ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है पाइप में लगा हुआ वो QCD कनेक्टर है। इसमें 3 पिन वाला होता है, 2 पिन वाला होता है। 3 पिन वाला है वो सिरप आउट होने के लिए, 2 पिन वाला है वो सिरप टैंक में प्रेशर इन करने के लिए।
गैस जिसमें सप्लाई होता है वो दो पिन वाला है ये, और जिसमें से सिरप आउट होता है मतलब सिरप खींचेगा कैनेस्टर में से सिरप आउट होगा और मशीन तक पहुंचेगा, वो तीन पिन वाला होता है, ये याद रखिएगा आप। ये तीन पिन वाला कनेक्टर है, इसमें से सिरप मशीन तक पहुंचेगा। 10 लीटर की कैनी आपको चाहिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको खरीदनी है, जितने फ्लेवर है आपके मशीन में उतने। ये सारे सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सेंट्रेट है, अलग अलग तरह के सारे मसाले हैं, ये देखिए ये बहुत सारी वेराइटीज़ है अलग अलग मसाले की। देखिए ये पुदीना आम है, नींबू मसाला है, फिर ये आपका मोजीटो के लिए है, फिर ये वरियाली के लिए है। वरियाली शरबत बनाना हो तो आप वरियाली शरबत का मसाला जो है वो ये है। ये जो है शिकंजी के लिए है, शिकंजी ये फुलजर करके फुलजर शॉट आता है उसके लिए ये है। फिर आपको ये आंवला उसके लिए मसाला है उसका। फिर ये हाजमा हजम करके मसाला, इसका भी एक अलग टेस्ट है, आपका नींबू पानी के लिए। तो हमारे पास देखिए मसाले में बहुत सारी अलग अलग कंपनी के हैं, आपको अगर खुद की फ्रेंचाइजी शुरू करनी है तो बहुत सारी वैरायटी हम आपको दे सकते हैं। देखिए अलग अलग कंपनी के सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सेंट्रेट है, इससे आपका फ्लेवर बनेगा। अलग अलग कंपनी के अलग अलग फ्लेवर सच्चे आते हैं, वो हम आपको बता देंगे कौन सी कंपनी के कौन सा फ्लेवर सच्चा, आपको कौन सी कंपनी का कौन सा फ्लेवर यूज़ करना है, उसकी रेसिपी भी हम आपको सिखा देंगे पूरा किस तरह आपको बनाना है। देखिए यहाँ पर हमने इसका मसाला बना के रखा हुआ है, जो टेबल पर रखा जाता है कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। इसका तरीका भी हम आपको बताएंगे किस तरह आपको बनाना है। देखिए दोस्तों आपको एक ऐसा मिक्सर बकेट सारी चीज़ चाहिए बनाने के लिए, फ्लेवर बनाने के लिए। इस तरह आप चाहती बना सकते हो, हल्का सा गुनगुना पानी गर्म करना है, उसमें शक्कर डाल देनी है और उसको आपको मिक्सर यानी स्टरल के जरिए हिला के उसको चाशनी बना के, आप चाहो तो आपकी कैनी जो है 10 लीटर की उसमें भी रख सकते हो, चाहो तो आप डायरेक्ट बकेट में फ्लेवर्स बना सकते हो और फिर कैनी में भर सकते हो, जैसा आप चाहो, आपको जैसा सूटेबल रहे वैसा आप काम कर सकते हो। देखिए अभी यहाँ पर जो चाशनी है बना के रखी हुई है, बाद में जब ज़रूरत पड़े तब फ्लेवर्स बनाया जाएगा। देखिए आपको भी ऐसे छलनी की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे छलनी भी आपको चाहिए ताकि कोई कचरा अंदर ना जाए, और ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स जो रह जाते हैं उसको आप इस तरह आपको उसमें मेल्ट कर देना है स्पून के ज़रिए, ताकि आपका पूरा जो एसेंस है उसका आपको फ़ायदा मिल सके। और इसको मुरली कहते हैं, इसमें से अलग अलग किनेस्टर सिरप टैंक है, उसमें CO2 का प्रेशर जाएगा। जब CO2 का प्रेशर, देखिए ये जो 2 पिन वाला है वो CO2 का प्रेशर यहाँ से इन होगा, और ये जो 3 पिन है 1 2 3 ये 3 पिन वाला है उसमें सिरप आउट होगा। तो यहाँ ये जो है कनेक्टर बोलते हैं इसको, ये कनेक्टर है, ये देखिए 3 पिन वाला कनेक्टर है, ये सिरप इसमें से सिरप की तरफ लगेगा, जैसे इसमें लगा हुआ है, देखो ये सिरप दिख रहा है आपको अंदर, तो एक तरफ लगेगा और दूसरी तरफ से सिरप आउट होगा, प्रेशर इन होगा CO2 का तो सिरप आउट होगा और मशीन में आगे वाल तक पहुँचेगा। देखिए दोस्तों नया सिरप टैंक होगा उसमें प्रेशर भरा हुआ होगा, जो 2 पिन वाला ड्यूड है जो NRV है वाल है उसका, उसमें से आपको गैस रिलीज कर देना है, गैस उड़ा देना है, और गैस उड़ाने के बाद आपको इसका ढक्कन खोलना है और फिर इसमें सिरप आपको भरना है। सिरप पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, नहीं तो गैस की लाइन में सिरप चढ़ने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ये किस तरह आपको खोलना है देखिए, ये बताया गया है आपको, जैसे कुकर का ढक्कन खोलता है इसी तरह इसको आपको खोलना है। देखिए आपको फिर डायरेक्ट नालचा रख के कैनी से डायरेक्ट ही भर देना है सिरप टैंक के अंदर। जब पहले हम छलनी रख के इसको छान चुके तो कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्ट ही आप भर सकते हो, लेकिन इसको पूरा नहीं भरना है छलो छल। छलो छल भरने से कई बार क्या होता है कि गैस की लाइन में सिरप चढ़ जाता है, इसलिए छलो छल नहीं भरना है, थोड़ा इसको कम रखना है। ये QCD कनेक्टर जो है जैसे होल्डर में बल्ब लगता है इस तरह ही लगता है, सेम आप देखिए इस तरह ही लगाना है आपको, और कनेक्टर को थोड़ा कम ही भरना है ताकि गैस की लाइन में रिवर्स ना चढ़ जाए, ये आप ध्यान रखिए। वाल को सेटिंग आखिर में आपको करना है, जो आपके राइट हैंड पे लिखा हुआ होगा सिरप, देखिए उसमें से सिरप आएगा यानी कि जो फ्लेवर वो आएगा, और लेफ्ट हैंड पे वो सोडा आएगा यानी सादा सोडा आएगा आपका। तो इसमें आपको बता दूँ सेटिंग किस तरह होता है, इसको ये स्क्रू दिख रहा है जो प्लास्टिक का आपको, उसको आप जितना टाइट करोगे उतना लेफ्ट हैंड पे उसमें सोडा बढ़ेगा, और जितना राइट हैंड पे उसको सिरप को लिखा हुआ उसको टाइट करोगे तो सिरप बढ़ेगा। अगर कम करना है तो उल्टा कीजिए उसको, आपको टाइट करेंगे तो बढ़ेगा, ढीला करोगे तो कम होगा। सोडा सिरप दोनों तरफ लिखा हुआ होगा, वाटर या सिरप लिखा होगा, अलग अलग वाल में अलग तरह लिखा होता है। तो आपको इस तरह आपको थोड़ा टेस्ट करना है, पहली बार आपको सेटिंग करना पड़ेगा इस तरह, आपको अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अनुसार, कस्टमर का जो आपका टेस्ट है उस हिसाब से आपको सेट करना है, और एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीने में एक बार आपको चेक भी करना है। कई बार गैस के स्ट्रोक से थोड़ा सेटिंग घूम भी जाता है, कई बार ऐसा भी होता है, तो स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन करने के लिए आपको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए अलग अलग तरह के फ्लेवर्स इसमें डिस्पेंस होने लगे, आपका मशीन इंस्टॉल हो चुका है कंप्लीट, और आप कस्टमर को सर्विस दे सकते हो कम्प्लीटली, सारा आपको बता दिया मैंने किस तरह करना है, और इसके रिलेटेड बहुत सारी मेंटेनेंस रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड किए, सारी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको कोई भी परेशानी आए इन फ्यूचर मशीन के मेंटेनेंस के रिलेटेड कुछ समझ में ना आए तो आप वो वीडियो देखकर अपना सोल्यूशन निकाल सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो हमें कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो।
आपके पास चाहे किसी भी कंपनी का मशीन हो, कहीं से भी आपने खरीदी किया हो, आप हमारी वीडियो देख के अपने मशीन का मेंटेनेंस खुद ही कर सकते हो। अगर आप चाहो तो हमारे पास से स्पेयर पार्ट्स भी मंगवा सकते हो उसके, और फ्लेवर्स के लिए आप अगर रेसिपी जानना चाहते हो तब भी हमें कॉल कर सकते हो। ठीक है, हर तरह का फ्लेवर, नींबू सोडा सब चीज़ें इसमें आपको बता दूँ। फ्लेवर सोडा के अलावा एक छोटा सा इसमें डोरी लगा हुआ होगा, या तो छोटा सा सोडा लेवल लगा हुआ होता है, उसमें से आप सादा सोडा निकाल सकते हो। हर तरीके के फ्लेवर्स आप बना सकते हो, और हमारी फ्रेंचाइजी जो है उसमें हम बहुत सारे मिक्सिंग करके अलग अलग तरह के फ्लेवर्स भी बनाते हैं, बहुत सारी वेराइटीज बनाते हैं। अगर आप भी हमारी फ्रेंचाइजी शुरू करना चाहते हो नींबू सोडा शॉप की, तो हमसे संपर्क कर सकते हो। आपको हम पूरी रेसिपी देंगे किस तरह आपको अलग अलग फ्लेवर्स जो है मिक्सिंग करके बनाना है, पूरी आपकी शॉप जो है इंटीरियर डेकोरेट करके देंगे हम, मशीन भी देंगे आपको साथ में, उसके रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो भी सारी हम आपको देंगे। अगर आप बिल्कुल नए हो, आपको कुछ नहीं पता है सोडा शॉप के बिजनेस के बारे में, तो हम आपको पूरा ट्रेन कर देंगे। आशा करता हूँ कि आपकी जानकारी बड़ी होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में नई प्रोडक्ट, नए कॉन्सेप्ट, नई जानकारी, नए वेंटेंस जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।